गोपालगंज में छिड़खानी से तंग आकर छात्रा की आत्महत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज में छात्र नेताओं ने शोक सभा सह कैंडल मार्च निकाला और जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गोपालगंज से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज जिले के मांधा थाना क्षेत्र के जगरनाथा गांव की रहने वाली छात्रा को पिछले कुछ दिनों से 3 युवकों द्वारा छेड़खानी किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर वह महिला थाना पहुंची थी, जहां उसे थाना प्रभारी द्वारा प्रताड़ित कर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया था, जिसके विरोध में छात्र नेताओं द्वारा शोक सभा सह कैंडल मार्च निकालकर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई और दोषियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने की मांग की गई। इस दौरान प्रिंस कुंवर प्रवीण कुमार, रोशन श्रीवास्तव, अनुज कुमार, संतोष कुमार, विकास कुमार सहित सैकड़ों युवा कैंडल मार्च कर सड़कों पर उतरे थे। यह कैंडल मार्च शहर के अम्बेडकर चौक से होते हुए पुरानी चौक, मौनिया चौक तथा थाना चौक तक पहुँची थी। मामले में थाना प्रभारी कुमकुम कुमारी भी निलंबित हैं। छात्रा के आत्महत्या मामले में गोपालगंज महिला थाना प्रभारी कुमकुम कुमारी को गोपालगंज पुलिस अधीक्षक नताशा गुड़िया के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र नेताओं एवं ग्रामीणों की मांग पर निलंबित कर दिया गया है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि निलंबन नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज हो महिला थाना प्रभारी पर। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। आत्महत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपित शहजाद अली को हाजीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जगन्नाथा पंचायत की हमारी बहन निकी कुमारी को महिला थाना प्रभारी के द्वारा छेड़छाड़ के केस करने के बजाय टॉर्चर किया गया है, जिसके कारण वो आकर उसके दबाव में आकर शर्म से अपना आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है। गोपालगंज एसपी के द्वारा बताया जा रहा है कि महिला थाना प्रभारी के द्वारा निकी कुमारी को गाली गलौज किया गया था, तो उनको निलंबित किया गया है एसपी महोदय के द्वारा। उन पर 302 का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। अगर 302 का मुकदमा नहीं हो रहा है तो सड़क से सदन तक गोपालगंज के युवा छात्र पूरा हंगामा करेगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, सब कोई आंदोलित हो गए हैं गोपालगंज के। क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रिंस नेता है, कमला राय महाविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष है, मेरा ही महाविद्यालय का।